बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 31 MTS 603 का न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। इसमें जो MCQs पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से चीज़ें हैं वो मैंने हाईलाइट की हैं, बताता जाता हूँ। एरिया इज इक्वल टू A to B FX dx, ये MCQs में ऑप्शनल में क्वेश्चन आ जाता है। वॉल्यूम जो है A to B C to D GXY, इसमें दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है। dx जो है ये अंदर वाला है और dy जो है ये C to D वाला है, ठीक है। तो इनकी लिमिट जो है ना वो आगे पीछे करके, तो उन्होंने ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे होते हैं। और एरिया ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाते हैं कि राइट डाउन द फार्मूला ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम इन शेप ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना, इंटीग्रल की शक्ल में। एक ये चीज़ हो गई, ये इंटीग्रल की डेफिनेशन है, यानी लिमिट अप्लाई कर दें तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, k इज इक्वल टू 1 अप टू n, यानी k की वैल्यू 1 से n तक है। fxk यानी xk मीन x1 2 3, और साथ में डेल्टा x, वही कुछ है, वहाँ dx लिखा हुआ है, यहाँ डेल्टा x लिखा हुआ है, ठीक है। और आपको पता है ये समेशन जो है असल में इंटीग्रेशन जो है ना, इंटीग्रेशन कहते ही इकट्ठा करने को है, डिफरेंशिएशन कहते हैं अलग अलग करने को, ठीक है, और इंटीग्रेशन कहते हैं इकट्ठा करने को। ये दोनों एक दूसरे के उल्ट होते हैं। खैर, इन्हों रटे रुटे मार लो, ये याद रख लें, ये फार्मूला है, जनरल डेफिनेशन है इंटीग्रेशन की। अब ठीक है जी, हमें कैलकुलेशंस में इंटीग्रेशन की ज़रूरत क्यों पड़ गई? पीछे हमने सारे काम किए हैं ना, तो अब उन्हीं कामों को विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रल सॉल्व करेंगे। तो कब किस तरह का फंक्शन आए तो हमें फिर इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। व्हेन वुड वी वांट टू डू दिस? पहले जी, इंटीग्रेंड इज टू कॉम्प्लिकेटेड। जिसकी इंटीग्रेशन होनी होती है, अगर वो वैल्यूज बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हों, जैसे ये देखिए खिचड़ी सी बनी हुई है, 2 + cos ये फलां 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 फलां, साथ में रेस टू पावर 0.5x भी है, देखे ना, यहाँ पावर में भी वेरिएबल आ गया है, यहाँ भी वेरिएबल पड़ा हुआ है। खैर, एक चीज़, अगर इंटीग्रेंड जो है कॉम्प्लिकेटेड है, कम्प्लेक्स है, और दूसरा कि इंटीग्रेंड जो है वो सही तरह से इक्वेशन में डिफाइन ही नहीं है, प्रिसाइजली डिफाइन कहते हैं अच्छा वाला, ठीक है, यानी शीशा क्लियर नहीं है। उसके बाद ये की पॉइंट्स जो हैं, इनमें भी वो MCQs वगैरह उठा लेते हैं। इंटीग्रेशन इज अ समिंग प्रोसेस, इसमें वो सम की जगह जो मर्जी लगा दें, ये वही है ऊपर वाला जो है, इसमें वहाँ पे k लिखा था, यहाँ पे i लिखा है, कोई फर्क नहीं है। और ये जो है e, ये एरर है, ठीक है, जिसे ट्रंकेशन एरर कहते हैं, और ये पिछले लेक्चर्स में आप लोगों ने देखा भी होगा। एक्स जो है वेट्स हैं, एक्स आई फ्लां है, और ये ई टी जो है ये ट्रंकेशन एरर है। उसके बाद आ जाएं जी न्यूटन कोट्स इंटीग्रेशन फार्मूला। अच्छा, ये जो फार्मूला है ना, इसकी बेस पे आगे दो रूल्स जो है ना वो बनने हैं, और वो रूल्स एक है ट्रेपेजॉइडल रूल, ये देखिए, और दूसरा है सिम्पसन रूल। अच्छा, सिम्पसन के भी आगे दो रूल हैं, एक 1/3 है, एक 3/8 रूल है, और ये देख लें, कह रहा जी वी शैल डिवेलप न्यूटन कोट्स फार्मूला बेस्ड ऑन इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन की बेस पर हम ये फार्मूला डिवेलप करेंगे, और ये लीड करेगा आगे दो रूल्स को, ट्रेपेज़ॉइडल और सिम्पसन को, ठीक है। और इसमें सी के जो है ये वेटिंग कोफिशिएंट्स हैं, और ये है x0 = a, xn = b, और हाइट जो है b - a/n, ये कुछ चीज़ें हैं, ये न्यूटन कोट्स के लिहाज से इनको आपने देख लिया। उसके बाद आगे चलते हैं,
आगे मैं आपको ना ट्रेपेज़ॉइडल रूल दिखाता हूँ, सिम्पसन रूल दिखाता हूँ और इसके क्वेश्चन करते हैं, और इसमें कोई मुझे इतना ख़ास नज़र नहीं आ रहा। ये सिम्पसन रूल आ गया, इसमें ये है तीन पॉइंट्स का, y नॉट y वन और y टू का। यहाँ पे है n इज इक्वल टू टू, ठीक है, ये n ज़ीरो, n वन और n टू। n टू पे ये फार्मूला हमारा चल रहा है, n वन पे दो पॉइंट्स का फार्मूला होगा ऊपर कहीं, सिम्पसन का दो पॉइंट्स वाला फार्मूला, यहाँ भी n2 ही है। चलें खैर आगे कहीं आएगा ना n1, तो वो मैं आपको बता दूंगा। उसमें y0 और y1 बस ये दो पॉइंट्स होते हैं n1 में। n3 आ जाएगा तो इसमें उसमें तीन पॉइंट्स आ जाएंगे, y0, y1, y2, y3। बहरहाल आप इस पर अभी ना फोकस करें, ये जनरल सिम्पसन का रूल है, ठीक है, 1 बाई थ्री एच बाई थ्री वाई नॉट प्लस फोर वाई वन प्लस वाई टू। और इसकी और जो एक्सटेंडेड फॉर्म है ये देखें, ये है, ये n3 पे आ गया, चार पॉइंट्स आ गई, y0, y1, y2, y3, ठीक है जी। ये है और हम इसका जनरल फार्मूला देखते हैं, ट्रेपेज़ॉइडल रूल, इसका फार्मूला ये रहते, ये ट्रेपेज़ॉइडल रूल का फार्मूला है ये वाला। अच्छा, इसमें होता क्या है, h बाई टू वाई नॉट और वाई एन, लास्ट वाली यानी फर्स्ट वाली वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू, इन दोनों को आप प्लस कर लें पहले, और उसके बाद दरमियान वाली जितनी भी वैल्यूज हैं उन सब को दो से मल्टीप्लाई करना होता है, मींस दो कॉमन निकाल लें और अंदर उनको भी प्लस कर लें। ये फार्मूला है ट्रेपेज़ॉइडल रूल का। और इसमें ये जो ई एन जो है, ये देखें, दिस इज द ग्लोबल एरर, और ये सिम्पसन रूल का फार्मूला आ जाता है। अभी सिम्पसन रूल में h बाई थ्री है मेरे पास, हाँ जी h बाई थ्री है, ये देखें ये फार्मूला। इसमें क्या होता है, h बाई थ्री पहली और आखिरी टर्म प्लस कर लें, ये देखें ये आखिरी वाली वैल्यू y 2n वाली और ये y नॉट, इन दोनों को प्लस कर लें, और दरमियान में जितनी भी ऑड वाली टर्म्स है ना, ऑड वाली यानी कली वाली, कली जोटा शायद सुना हो आप लोगों ने, यानी ऑड नंबर्स 1, 3, 5, उनको जमा करके 4 से मल्टीप्लाई करना होता है, और जितने भी इवन नंबर्स होते हैं उनको प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। बड़ा आसान फार्मूला है ये। अब मुझे ना डायरेक्ट ना एग्जाम्पल पे आने दें, ताकि ये फार्मूले भी क्लियर हो जाए और एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लें। देखें जी, ये है जी, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 0 टू पाई साइन x dx यूजिंग ट्रेपेज़ॉइडल रूल और सिम्पसन 1 बाई 3 रूल, ठीक है। और साथ में उसने कहा है कि आप ये जो रेंज दी हुई है 0 से पाई वाली, इसके 6 पार्ट्स करने हैं, और साथ में हाँ जी एक और काम, परसेंटेज एरर भी फाइंड आउट करना है दोनों में, ट्रेपेज़ॉइडल में भी और सिम्पसन में भी। आते हैं जी सोल्यूशन पे। ज़ीरो से पाई, आपको पता है ज़ीरो पाई जो है ना वो 180 डिग्री होता है। अब ज़ीरो से लेकर 180 डिग्री तक अगर हम करते हैं इसके 6 पार्ट्स, तो 30-30 का बनेगा, 30 का बना तो ये पहला आ जाएगा, एक्स की वैल्यू ज़ीरो वो वैसे ही है, नीचे वाली वैल्यूज़ को अभी छोड़ें फ़िलहाल। दूसरी वैल्यू आ गई पाई बाई सिक्स, कैसे बना, 30 डिग्री पाई बाई सिक्स के इक्वल होता है, पाई है 180, 180 को 6 पे तकसीम करें तो 30 डिग्री आएगा, तो ये पाई बाई सिक्स जो है असल में 30 डिग्री है। इसमें पाई बाई सिक्स 30 डिग्री, इसमें पाई बाई सिक्स और प्लस कर लें तो 30 और 30 कितने हो गए, 60 डिग्री, तो वो पाई बाई सिक्स प्लस पाई बाई सिक्स, एलसीएम लेके हल करना, पाई बाई थ्री आंसर आ जाएगा। इसमें आप फिर पाई बाई सिक्स प्लस कर लें तो ये 90 डिग्री, ये पाई बाई टू होता है। इसमें फिर आप पाई बाई सिक्स प्लस कर लें तो ये 120 डिग्री शायद, और ये 150 डिग्री, और ये 180 डिग्री। ले जी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
ठीक है जी, जीरो को निकालें, बाकी छह पार्ट्स बन गए इसके। ओके, अब इसमें y जो है वो साइन x के इक्वल है, y इज इक्वल टू साइन x। लगाएं जी, x जीरो लगाया तो साइन जीरो जीरो होता है, ये y इज इक्वल टू जीरो आ गया। साइन 30 डिग्री लगाया, साइन 30 डिग्री, x 30 डिग्री लगाया, साइन 30 डिग्री जो है वो 1/2 के इक्वल होता है, यानी 0.5 के इक्वल। उसके बाद आ जाए जी, ये 30 के बाद जो है 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री स्केयर रूट 3/2 यानी 0.866 के इक्वल होता है। इसी तरह साइन की वैल्यू ये सारी लगा, एक्स की वैल्यू ये लगाते थे और साइन की मुतलका वैल्यूज जो है जो निकलती आएंगी वो सारी की सारी यहाँ पुट कर लिए। ठीक है जी, अब हमारे पास वैल्यूज जो है ना, ये वाई नॉट से लेकर वाई एट तक वैल्यूज चल रही हैं, सॉरी वाई सिक्स तक है। अब सिक्स वैल्यूज तक का फार्मूला हमारे पास जो है एच बाई टू, मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू सबसे पहले उन दोनों को प्लस कर लें, प्लस बाकी जितनी भी वैल्यूज बची हैं उनको दो से मल्टीप्लाई कर लें, यही है आपका ट्रेपेजॉइडल रूल। ये देख लें, दो कॉमन निकाल ली है और अंदर सबको प्लस कर दिया है, ठीक है, वाई वन से लेकर वाई फाइव तक। अब हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं इनमें। अच्छा, एच की वैल्यू भी वो निकाल लेते हैं, हाइट जो है इनका डिफरेंस है वो पाई बाई सिक्स ही आएगा, पाई बाई सिक्स का ही डिफरेंस चल रहा है। हाइट के लिए फार्मूला लगा लेते हैं, ये फार्मूला लगा लेते हैं, हाइट जो है लास्ट वैल्यू एक्स की माइनस फर्स्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय एन नंबर ऑफ वैल्यूज। अब देखिए, लास्ट वैल्यू जो है ये पाई है, फर्स्ट वैल्यू एक्स की ज़ीरो है, पाई माइनस ज़ीरो, और एन जो है वो देखिए एन नॉट 1, 2, 3, 4, 5, 6, एन इज इक्वल टू 6 आ गया, तो ये फिर भी पाई बाई 6 ही आता है। लगाते हैं जी यहाँ पे, ये थोड़ा सा मैं क्लोज कर देता हूँ, ये आ गया जी पाई बाई 6, नीचे वो 6 आ जाएगा तो ये 2 6 से ज़रब होगा 12, वाई नॉट ये आपके पास आ गया 0, उसके बाद है वाई 6 ये भी आपके पास आ गया 0, प्लस 2 वैसे ही आ गया, ये वाई 1 वाई 2 वाई 3 वाई 4 वाई 5 ये सारी 0.5 0.866 1 और 0.866 और 0.5 इन सबको प्लस कर लें, तो इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है 3.732, दो से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा, दो से मल्टीप्लाई इन्होंने नहीं किया, इस दो को 12 से काट दिया 6 आ गया, ये पाई की वैल्यू लिखी हुई है 3.14, ये वाला पाई नीचे 6 आ गया क्योंकि दो से कट गया, तो पाई बाई 6 आ गया मल्टीप्लाई बाई दिस वैल्यू, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है जी, अब हम इन्हीं वैल्यूज पे सिम्पसन रूल अप्लाई करते हैं। सिम्पसन रूल में क्या होता है, दो से मल्टीप्लाई और चार से मल्टीप्लाई, ये देखें ये है जो हमने यहाँ पे अप्लाई करना है, ये जनरल फार्मूला लिखा हुआ है विद एरर टर्म, आप इस पे आ जाएं। अब देखें इसमें भी क्या है, पहली और आखिरी वैल्यू इन दोनों को हम पहले सिंपली प्लस कर देंगे, जितनी भी इसमें ओड वैल्यूज हैं 1, 3, 5 वाली, ठीक है, हम उनको प्लस करके 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जितनी भी इवन वैल्यूज हैं उनको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस करके। ये ऊपर वैल्यूज पड़ी हुई हैं आपके पास, ये देखिए ये सारी की सारी वैल्यूज, ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दें, इसमें और उसमें फ़र्क ये है, उसमें h बाई 2 आता है और इसमें h बाई 3 आता है। ये वैल्यूज पुट की, पुट करने के बाद आंसर हमारे पास निकल आया 2.0008। अच्छा जी, ट्रेपेजॉइडल रूल का ये था, सिम्पसन रूल का फार्मूले का आंसर ये निकल आया। अब हम इसकी, यही जो हमारे पास है ना इंटीग्रल, अब हम इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं, ये लें जी, इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन करें तो हमारे पास आंसर आता है 2,
ठीक है, डायरेक्ट इंटीग्रल से। अब देखिए जरा, ये है हमारी एक्चुअल वैल्यू। ट्रेपेजॉइडल रूल के तहत देखते हैं, ट्रेपेजॉइडल रूल से निकली वैल्यू, ये है डायरेक्ट वैल्यू, ये है ट्रेपेजॉइडल रूल की वैल्यू माइनस की, डिवाइडेड बाय टू। अगर परसेंटेज निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई भी कर दिया तो ये आ गया जी 23% एरर। ठीक है, रियल वैल्यू से इतना दूर है। सिम्पसन रूल जो है, जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू डिवाइडेड माइनस जो आपने किसी भी रूल से वैल्यू निकाली है, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 0.04। तो ये देखें, ट्रेपेजॉइडल रूल में एरर की परसेंटेज ज़्यादा है, जबकि सिम्पसन रूल में एरर की परसेंटेज ना होने के बराबर है, बहुत कम है। ठीक है जी, ये देख लें, ये दो में से 2.008 माइनस करेंगे तो माइनस में आएगा, तो माइनस साइन इग्नोर कर दें। ठीक हो गया जी, ये हो गया। उसके बाद ये दूसरी एग्जांपल है, इस एग्जांपल में देख लें 1 से 5 तक है और ये डिवीजन बनाई हुई है, आपकी मर्जी है, आप कोई भी डिवीजन बना सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 वाली डिवीजन भी बना सकते हैं। ये हाफ ऑफ की डिवीजन बनी हुई है, हाफ ऑफ के हिसाब से एन आपका 0 से लेकर 8 तक जा रहा है, हाइट आपकी जो है वो आप निकाल लें या डायरेक्ट लिख लें, इन दोनों का डिफरेंस ही निकलता है, चाहे वो आप बी माइनस ए ओवर एन भी करके देख लें। हाइट आ गई आपकी 0.5, ये हमारे पास फार्मूला आ गया, पहली और आखिरी वैल्यू प्लस, ऑड वाली सारी प्लस करके 4 से मल्टीप्लाई, इवन वाली सारी प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई, वैल्यूज पुट करें, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमने एरर फाइंड आउट करना है कि एरर क्या है, उसके लिए भी देख लेते हैं। ये हमारे पास एरर का फार्मूला है सिम्पसन रूल के। ठीक है जी, इसमें देखें जी, इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस का साइन इग्नोर कर देना है, ये फार्मूला है हमारे पास x2n माइनस x0 इंटू h4y4 इंटीग्रेशन अप टू 4 लेवल xi ओवर 180। अब इसमें पहले तो ये देखें y4 निकाल लेते हैं, y बराबर है log x के, और log x का फर्स्ट डेरिवेटिव लें y डैश, तो आपको पता है log x बराबर होता है 1/x के। अब इसका फिर डेरिवेटिव लें तो ये देख लें, ये 1/x है, x नीचे है, इसकी पावर है +1, ऊपर चले जाएं तो क्या हो जाएगी पावर -1, तो इसका फिर डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, पावर पीछे, ये पावर पीछे और पावर में से एक माइनस, -1 -1 ये हो गया -2, यानी -x^2 ये माइनस पावर में है, अगर इसको हम नीचे ले आएंगे तो ये x^2 +2 हो जाएगा। ठीक है जी, ये आ गया y" यानी ये -1/x2। अब इसका फिर डेरिवेटिव लेंगे तो इस पावर को फिर ऊपर ले जाएं तो ये -2 हो जाएगा, पावर पीछे, पावर में से एक माइनस, और इसी तरह आप फिर उसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -6/x4। ठीक है जी, ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया y4 यानी फोर्थ लेवल तक, फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ y आ गया, माइनस का साइन कर दें इग्नोर। अब आते हैं हम इस पे, ये है जी मैक्सिमम निकालना हो ना, और हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारी लिमिट्स कौन सी हैं। हमारी लिमिट जो है ना वो 1 से 5 तक चल रही है। ठीक है जी, ये देखें 1 to 5, तो आपकी मर्जी होती है, आप 1 पुट कर लें, 2 पुट कर लें, 3 कोई भी वैल्यू पुट कर लें, लेकिन जो नॉर्मली असूल है वो ये होता है कि आप सबसे छोटी वैल्यू पुट कर लें पहले, उसके बाद सबसे बड़ी, यानी फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, हम इसमें फर्स्ट वैल्यू पुट करते हैं, वो क्या है, x > 1। हम इसमें 1 पुट करेंगे तो x की पावर, x की वैल्यू आ गई 1, तो ये 6 ही बच गया, ये आ गया जी 6,
माइनस का साइन इग्नोर कर दें, ठीक है। उसके बाद हम पुट करते हैं 5 इस जगह पे, तो 5 की पावर क्या बन जाएगी, 4। 5 की पावर 4 खोलें तो आपके पास आ जाएगा 625। तो 6 by 625 ये आ गया 0.0096, इग्नोरिंग माइनस साइन, ये जी आपके पास आ गया। ये लोअर लिमिट पे और ये हाईएस्ट लिमिट पे, यानी इनिशियल और फाइनल लिमिट पे हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। उसके बाद आगे चलते हैं, उसके बाद है जी x2n-x0। ये वैल्यू जो हम निकालते हैं, ये हमारे पास वैल्यू होती है, ये हमने पुट कर दी। उसके बाद ये y की फोर्स डेरिवेटिव वाले की वैल्यू पुट कर दी, तो ये हमारे पास थी, एक दफ़ा आई थी 6 और एक दफ़ा आई थी 0.0096। तो पहले तो हम ये पुट कर लेते हैं, 0.0096 डिवाइडेड बाई 180, और x4 वैसे ही आ गया, इज लेस देन e, विच इज लेस देन ये जो बड़ी वैल्यू है। अब हमने यहाँ पे 6 पुट कर दिया इसकी जगह, और ये आपको पता है 4, और ये h4 वैसे ही आ गया डिवाइडेड बाई 180, ठीक है जी। अब अगर हम देखते हैं, कहता इफ़ द रिजल्ट इज टू बी एक्यूरेट अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस, अगर 5 डेसिमल प्लेसेस तक रिजल्ट एक्यूरेट है, यानी ये सबसे लोअर थी और चलते चलते ये थी 5th, ठीक है, 5वीं। अगर ये 5 डेसिमल प्लेसेस तक ठीक है, तो फिर हमारे पास आ जाएगा 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 24H4 डिवाइडेड बाई 180 वैसे ही आ गया। दिस वैल्यू इज लेस देन 10⁻⁵। क्योंकि उसने कहा था ना, ये देखें, विल बी एक्यूरेट अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस, 10⁻⁵ जो है ना, ये 5 डेसिमल प्लेसेस बनती हैं, 0.00001, ठीक है। अब अगर इसका हम ओरिजिनल इसका इंटीग्रल निकाल लें, तो आपके पास ये निकलता है 5 log 5 - 4, ठीक हो गया जी। अब इस पर भी मैं बात कर लेता, ये देखिए जी, ये है आपके पास इनइक्वालिटी। मैं एक देसी तरीके से आपको समझा देता हूँ कि अब ये वैल्यू कैसे आई है। इसमें देखें, ये है 180 डिवाइड हो रहा है, इस तरफ ले तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये 10⁻⁵ है, 10⁻⁵ का मतलब है 0.00001। तो हम क्या करते हैं, ये देखें, 0.12341, ठीक है, 10⁻⁵ ये होता है, मल्टीप्लाई बाई नीचे क्या पड़ा हुआ है 180, ये ले जी 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल ये, ओए ये क्या आ गया 0.12341 मल्टीप्लाई बाई 180, ये आ गया। अब ये 24 है ना, इस तरफ आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइडेड बाई 24, ये ना जी 0.0075, ठीक है जी। H4 इज लेस देन 0.0075, और अगर मैं ये पावर 4 ख़त्म करता हूँ, तो इसका स्केयर रूट यानी 1/4 ले लेता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 0.09, ठीक है। और अगर आपने ये चेक करना, यानी इसका फोर्थ रूट ले लें, तो आपके पास ये आ जाएगा h, ठीक है। ये हाइट आ गई, इट मे बी नोटेड दैट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल इज दिस दिस दिस, बस उसने यही हमसे पूछा था जो हमने बता दिया है। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक आपको समझ आ गई होगी। इवेलुएट द इंटीग्रल 0 से 1 तक है, और ट्रेपेज़ॉइडल रूल, और उसने कहा हाइट जो आपने लेनी है ना 1/4,
एक पाव, ठीक है जी। तो क्वार्टर लेनी है, ज़ीरो आ गया 1/4, ये हाफ आ गया, ये आ गया 0.75 यानी 3 पाव, और ये 1 आ गया। वैल्यूज पुट करें, यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करें, 1/1 ही आ गया। x की वैल्यू 1/4 पुट करें, तो एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना, नहीं भी करना तो डायरेक्ट जो है ना कैलकुलेटर से डिवाइड करके 1 प्लस करके फिर 1 पे डिवाइड कर देना, आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। वैल्यूज आ गई तो ये सिम्पसन 1/3 रूल, ट्रेपेज़ॉइडल रूल खुद ही अप्लाई करके आप लोग चेक कर लें। उसके बाद ये है जी, ये भी आप लोग खुद ही देख लेंगे, ये दोनों रूल्स मैं बता रहा हूँ बार बार, ये दोनों रूल्स में इनमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी और शॉर्ट में भी। उसके बाद है जी, मिसाइल जो है दागा गया, कहाँ दागा गया, फर्स्ट 80 सेकंड्स ऑफ फ्लाइट रिकॉर्ड करें, क्या करें, ये टेबल दिया हुआ है इन्होंने, ये टाइम है, ये एक्सेलरेशन है, और कंप्यूट द वेलोसिटी यूजिंग सिम्पसन 1/3 रूल। कह रहा जी टाइम 80 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करें, तो ये देखें वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 to 80 ए डी टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही निकालना है ना, और ये हमें पता है ना रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इसके बराबर होता है। सिम्पसन रूल अप्लाई करें, हाइट जो है वो आपकी 10 आ रही है, 80 में से 0 माइनस कर दें, और ये है n डिवाइडेड बाई n करना है ना, n 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डिवाइडेड बाई 8 कर दें, या वैसे ही देख लें डिफरेंस कितना आ रहा है, फार्मूला भी लगाने की ज़रूरत नहीं है कोई खास, 10 ही आ रहा है। ये वैल्यूज पुट की, ये हमारे पास आंसर निकल आएगा, ठीक है जी। सॉरी ये आंसर निकला है, ये उसने किलोमीटर में कन्वर्ट किया है, ओके, डिवाइडेड बाई 1000। उसके बाद सिम्पसन 3/8 रूल है, मैं डायरेक्ट आपको दिखाता हूँ, इसमें 3 से मल्टीप्लाई होता है। आ जा भाई, आ जा, ये आ गया, ये है जी रूल। पहली वाली और लास्ट वाली वैल्यू इकट्ठी कर लें, बाकी जितनी भी हैं उनको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ओके। ये है सिम्पसन 3/8 रूल, इसका भी क्वेश्चन आ सकता है। रोम्बर्स इंटीग्रेशन है, इसमें ये जो दो लाइनें हैं ना, ये बड़ी अहम लाइनें हैं, और ये मैंने अक्सर क्वेश्चन देखी। देखो जी, ट्रेपेज़ॉइडल रूल में आपका डेफिनेट इंटीग्रल जो है वो होता है ओ इंटू एच रेज टू पावर 2, याद रखना। और सिम्पसन 1/3 और 3/8 रूल जो हैं, इसमें एच रेज टू पावर क्या होता है, 4, फोर्थ ऑर्डर होता है। ये एमसीक्यूज में आ जाना है, वो लिखा होगा ओ एच रेज टू पावर 2, एच रेज टू पावर 4, एच रेज टू पावर 6, 8, 0, जो भी है। ट्रेपेज़ॉइडल में 2 आता है, 1/3, 1/8 सिम्पसन दोनों जो हैं उनमें 4 ही आता है। अच्छा जी, अब ये हमारा जो है ये रोम्बर्स इंटीग्रेशन जो है, ये रिचर्डसन एक्सट्रापोलेशन प्रोसीजर जो है उसी को आगे लेके चलें तो ये रोम्बर्स इंटीग्रेशन मेथड बनता है। ये देखें, आपको शायद पुरानी बातें याद आ रही हों, ठीक है, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, ये हमने कभी पढ़ा था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, याद है, यहाँ पे f लिखा होता था, f1 f2 टू रेज टू पावर m, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। खैर एग्जाम्पल पे आते हैं, ये सारा उसी में कवर हो जाएगा। ये है जी एग्जाम्पल, एक्स वाई की वैल्यूज दी हुई हैं ऑलरेडी, ये एक्स नॉट की वैल्यू है, ये एक्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है जी। एक्स एन जो है वो हमारे पास 1.48 है, एक्स नॉट हमारे पास ये है, हाइट निकालनी है, इसमें से इसको माइनस कर दें, डिवाइडेड बाई कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 8, तो 8 पे डिवाइड कर दें, आपके पास हाइट निकल आएगी। अब हमने क्या करना है,
स्टार्टिंग विद रिप्रेजेंटेड रूल फॉर टेबुलर वैल्यूज। अब हमने बारी बारी एन वन पे यानी दो वैल्यूज उठानी है, उस पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर तीन वैल्यूज उठानी है उस पर फिर वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर इसी तरह आगे चलते जाएंगे। अच्छा जी, हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं एन वन। एन वन कहाँ तक बनता है, ये है एन नॉट और ये है एन वन, यहाँ तक ठीक है जी। ये दो वैल्यूज आई ना, एक वाई नॉट की एक वाई वन की, तो जनाब अली ट्रेपेज़ॉइडल रूल जो है ना एच बाई टू इंटू वाई नॉट प्लस वाई वन, ये फार्मूला इसका, वैल्यूज पुट कर दें ये आंसर निकल आया। अब आते हैं एन टू पे, तीन वैल्यूज आ गई एक दो तीन। जब तीन वैल्यूज हैं तो ये पीछे फार्मूला देख लेना अपने को, नहीं मैं ला रहा, ये वाई नॉट और आखिरी वाई टू ये प्लस, और जो दरमियान वाली हैं वो दो से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक हो गया, ट्रेपेज़ॉइडल रूल याद आ रहा है ना, तो ये हमने वो अल्लाह खैर करे इसमें पुट कर दिया। और ये हाइट भी निकालनी समझ आ गई ना, हाइट जो है आपकी वो आएगी अल्लाह तड़ा पला करे, ऐसे रखो इसको साइड पे करते हैं, 1.8 माइनस 1 0.8 बचा, ठीक है। ये हाइट ये वाली निकाल रहा हूँ, ये एच टू पे ये 0.8 बचा, एन की वैल्यू क्या 2, तो 0.8 डिवाइडेड बाई 2 0.4 आता है। और ये वैल्यूज जो हैं वो आपके पास ही हैं, वैल्यूज पुट करें आपके पास ये आंसर निकल आएगा। अब हम करेंगे एन इज इक्वल टू 4 पे, ये जी एन इज इक्वल टू 4 पे, तो ये 0.8 डिवाइडेड बाई 4 0.2 आ जाएगा, ये देखेंगे 0.2 हाइट आ गई। अब 4 पे आ गया वही पहली और आखिरी वैल्यू प्लस कर लें और दरमियान वाली सारी जो है दो से मल्टीप्लाई कर दें, ये देखिए ये फार्मूला है वैल्यूज पुट की, हमारे पास ये आ गया। इसी तरह n इज इक्वल टू अब 8 पे कर लेंगे, ठीक है, तो इस पर हाइट हमारे पास ये आ गई। और 8 पे आपको पता है ना n नॉट n 8 ये इकट्ठा आ जाएगा अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 ये सारी प्लस करके दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास उन्होंने फाइनल आंसर निकाल दिया होगा, ठीक है जी। अब ये मैं दोबारा आप लोगों को लिख देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो, जनरल फार्मूला लिख देता हूँ। ये है जी हमारा फार्मूला, अब बड़े सुकून से इस फार्मूले को हम चेक करते हैं, रिलैक्स होके बैठ जाएं, वो कहते हैं ना सुकून से इत्मीनान से फारिग होके काम से, सब कामों से फ्री हो जाए। अच्छा जी, आई टी वन एम इज इक्वल टू 1, एम 1 पुट करेंगे एच बाई 2, ये देख लें वैसे ही आ रहा है, इज इक्वल टू वैसे ही आ रहा है 4, 1 पुट किया 4 ही रहेगा, ये आ गया। अब टी आई टी एम माइनस 1, 1 माइनस 1 क्या होगा 0 यानी नॉट, ठीक है। अब टी नॉट जहाँ पे नॉट की वैल्यू है वो हम देखते हैं, ठीक है। एक मिनट, मैं अभी ना ऊपर ले जाके आपको ये वैल्यू चेक करवाऊंगा, आपने बस ये ध्यान रखना आई टी नॉट है। अब आगे चलते हैं एच ओवर एम, 2 raised to power m, m की जगह 1 था ना, तो ये h बाई 2, ठीक है, माइनस ये आ गया आई टी नॉट, साथ में आ गया h ओवर 2 raised to power 1 माइनस 1 0, 2 raised to power 0 1 होता है, h आ गया। अब आई टी नॉट h की वैल्यू, आई टी नॉट h बाई 2 की वैल्यू, चलो आओ देख लेने हैं। ये देखें जी, ये वैल्यू जो है ये h की है, यानी वो जो अंदर h लिखा हुआ था, ठीक है, आई टी नॉट h, n इज इक्वल टू 2 है तो ये आई टी नॉट h बाई 2 की वैल्यू है, ये जो है आई टी नॉट h बाई 4 की वैल्यू है यानी n इज इक्वल टू 4 पे, और ये जो है ना h बाई 8 की वैल्यू है ये वाली। अब ये था 4
आई टी नॉट एच बाई टू, ये देख लें एन टू पे, ये 7.1.7904 ये आ गई माइनस, ये था एच, ये देखें 1.8600, ये आ गया। और उसके बाद फार्मूला में क्या था, 4 रेज टू पावर m माइनस 1, तो m माइनस 1, ये सॉरी ये 4 रेज टू पावर m है और नीचे माइनस 1 भी है, ये m माइनस 1 नीचे माइनस 1 भी है, ये क्या किया इसमें, ये 4 रेज टू पावर m है और माइनस 1 पावर में नहीं है, नीचे है माइनस 1, 4 रेज टू पावर m, m 1 आ गया, 4 ही रहेगा ना, माइनस 1, 4 माइनस 1 3, ये 3 है, ये ऊपर फार्मूला इन्होंने गलत लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है जी, ये 3 आ गया, इसको सॉल्व किया, ये आपके पास आंसर आ गया। अब h बाई 4, जिसे h बाई 2 रेज टू पावर 2 कहते हैं, तो अब देखें 2 रेज टू पावर 2 यानी m की वैल्यू 2, अब देख लें m की वैल्यू 2 पुट की तो 4 की पावर 2 आ गया, ये यहाँ पे ये आएगा h बाई 4, जो भी है ये है h बाई 4, ठीक है ना, 2 की पावर 2 4, तो h बाई 4 जो n इज इक्वल टू 4 था ना, ये देखें ये पुट करना है, ये देख लें ये पुट हुआ, उसके बाद ये है h बाई 2, यानी ये जो भी होता है ना ये इसका ये जो भी होता है ये इसका हाफ होता है, तो ये 1.76 ये h बाई 2 वाली वैल्यू ये आ गई, किधर चली गई, ये वाली h बाई 2 की वैल्यू ये निकाली तो ही है, ये आ गई। अब ये 4 है m की पावर 2, तो m रेज टू पावर 2 16 माइनस 1 15, ओके इसको सॉल्व कर लें, आपके पास आंसर निकल आएगा। उसके बाद आगे मूव करें, ये 2 रेज टू पावर 3 है यानी h बाई 8, h बाई 8 ये देखें n इज इक्वल टू, ये पुट किया था 76 h बाई 8, 4 की पावर 3 4 एज टू पावर 3 64 आएगा, और साथ में ये था h बाई 8, h बाई 8 था, एक मिनट जरा चेक कर लें, ये है 4 की पावर 3, 3 में से एक गया 2 आई टी 2, हाँ ये आई टी 2 ये वाला है आई टी 2 h बाई 2 रेज टू h बाई 4, ये तो h बाई 8 बन रहा है, तो ये वैल्यू आएगी आपके पास जी, आ गया जी h बाई 2 1.7672, ये 3 माइनस 2 2 आ गया, 2 रेज टू पावर 2 4, ये ना वैल्यूज इन्होंने उल्ट पुल्ट पुट कर दी हैं, यहाँ पे ना ये 1.7672 यहाँ पे आना, ये वाली वैल्यू ठीक है माइनस, और ये जो ना ये यहाँ पे आनी है 3 माइनस 1 2 4, हाँ ये ठीक है, सेम वैल्यूज पुट होनी है जी, ये h बाई 4 है, ये है 1.77317, ये और यहाँ पे भी ये आनी है, मल्टीप्लाई करें सॉल्व करें तो आपके पास ये आ जाएगा। अब चेक कर लीजिएगा ये आता है या कोई और वैल्यू आती है, ये हो गया, करे दैट द वैल्यू ऑफ द टेबुलेटेड इंटीग्रल इज, ये जो 1/8 करीब तरीन वैल्यू जो है वो ये है, ये तो हो गया जी हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक आ गया जी हमारा डबल इंटीग्रेशन, इसको भी लगे आज कर ही लेते हैं,
और इसमें आपको पता है दो वेरिएबल्स होते हैं। इसकी एग्जांपल पे आते हैं, एग्जांपल है जी ये है इंटीग्रल, और कह रहा है ट्रेपेज़ॉइडल रूल यूज करें, एच इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 0.25 क्यू वाला। देखिए ना, कम से कम तीन वैल्यूज तो होनी चाहिए ना, तो ये एक से दो तक तीन वैल्यूज की कोई सही वाली डिवीजन नहीं बनती, इसलिए हम चार की डिवीजन बना लेते हैं 0.25 के हिसाब से। ठीक है, पाइया पाइया चीज़ें पा देने हैं। एक्स की वैल्यूज 1, 1.25, 1.50 पौने दो और दो, वाई एक आ गया 1.25, ये डेढ़ आ गया, ये पौने दो और ये दो। जिसको पौने दो की समझ नहीं आई वो इन वैल्यूज़ को वैसे ही देख ले, वैसे तो अक्सर को समझ आ गई होगी। अब क्या करते हैं भला, एक को कांस्टेंट, दूसरे को वेरिएबल रख के तो वैल्यूज पुट करनी है। ये देखें जी, ये है हमारा टेबल, ये टेबल है, ये सारी वैल्यूज एक्स की इस कॉलम में और इस रो में सारी वैल्यूज वाई की। ओके, अब जब एक्स वन और वाई वन दोनों वन वन होंगे तो फिर वहां पे वैल्यूज पुट करें तो क्या आएगा, ये देखें 1+1, एक और एक दो, 1/2 क्या होता है 0.5, आ गया जी, पै गया पल्ले। आगे चलो, एक्स वन और वाई 1.5, 1+1.5 ये आएगा 2.25, एक पे तकसीम कर दें ये आ जाएगा। इसी तरह एक्स की 1 और वाई की 1.5 पुट करें, ये आ जाएगा एक्स की 1, वाई की 1.75 पुट करें इसमें, ये आ जाएगा। और ये सारी वैल्यूज इसी तरह टेबल में फिल होती जाएंगी। अगर लेट्स सपोज ये वैल्यू है तो ये कैसी आई है, ये इसके सामने आ रही है 1.75 के, और इधर से भी 1.75, एक्स भी 1.75, वाई भी 1.75 पुट करें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ये सारी वैल्यूज मेरा ख्याल समझ आ गई है, टेबल में पुट करें। पुट करने के बाद ट्रेपेज़ॉइडल रूल अप्लाई करते हैं। ट्रेपेज़ॉइडल रूल क्या है, पहली और आखिरी वैल्यू प्लस, ये देखिए ये पहली वैल्यू और ये आखिरी वैल्यू, सिंपल प्लस करेंगे और इनके दरमियान जितनी भी हैं उनको दो से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, दरमियान में एक वाई वन है, वाई टू है, वाई थ्री है, 1, 2, 3 तीनों को प्लस कर दिया। ये देख लें, ये वाई वन, वाई टू, वाई थ्री, 10, 10 ये लें हो गया। ये आपको पता ना h 0.25 पे चल रहा है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। अब ये वैसे दसना पहले h चाहिए सी, मैं तुम सोल्यूशन ही दस देता। ये देखिए, ये है f फंक्शन में व्हेन x इज इक्वल टू 1 एंड y वेरिएबल और x कांस्टेंट। ओके, फिर x इज इक्वल टू 1.25 और y की सारी वैल्यू चलेंगी। ये x इज इक्वल टू 1.25, इसमें जितनी भी ये वैल्यूज आ रही है ये सारी y की वैल्यूज पुट करनी है नीचे यहाँ पे। ओके, फिर x 1.5 और ये देखिए 1.5 और ये y की सारी वैल्यूज, ठीक है, y नॉट, y 1, y 2, y 3, y 4, फिर इसी तरह 1.75 और इसी तरह 2, ये सारी पुट करते जाएं, हमारे पास ये सारा कुछ आ गया। आ गया तो अब फाइनल सॉल्यूशन में पुट करते हैं। फाइनल सॉल्यूशन में देखें जी, दो वेरिएबल्स आ गए आपके पास, यही ये है फर्स्ट वैल्यू, 1y था ना, है वेलो, और आखिरी इसमें कौन सी थी, 2y, हेलो, ये 1y और ये आखिरी 2y, और दरमियान में बाकी जितनी भी y की वैल्यूज और साथ में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो भी आपने आंसर निकाले हैं ना वो सारे आंसर यहाँ पे रखें, रख के और ये बाहर वाले से ये काट छांट करके आपका पास आंसर आ जाएगा 0.3407। ठीक है जी, दिस इज़ योर फाइनल आंसर। उसके बाद ये इक्वेशन है, इसमें वैल्यूज पुट कर लें, मेरा ख्याल है कि ये अब कर लेंगे।
जीरो से पाई बाई टू तक जा रहा है, तो पाई बाई टू 90 डिग्री है। इसने कितनी बनाई है, एक दो तीन, कम से कम तीन होनी चाहिए, उसने तीन तो बनाई हुई है वैसे भी। आप तीन से कर लें, चार से कर लें, पांच से कर लें, मसला कोई नहीं है। इन्होंने वैसे पाई बाई फोर 180/4, ये नहीं जी तीन नहीं की, देखिए जीरो पाई बाई एट पाई बाई फोर, ये मेरे ख्याल से 30 डिग्री के हिसाब से लेके चला या किस डिग्री के हिसाब से, बहरहाल इस पर टाइम ज़ाया हो रहा है मेरे ख्याल से। ये डिवीजन की है, इस डिवीजन में आप लोग देख लेना, मुझसे रहा नहीं जा रहा, मैं चेक कर ना लूँ। कैलकुलेटर आ जाओ, 180 तकसीम चार 180 तकसीम आठ 22.5 के हिसाब से की है, 22.5, ये 22.5 चलते चलते 90 तक चला गया। ले जी ये टेबल बन गया, ये टेबल आपको पता ही है कैसे बना है। उसके बाद जो है अब ये ना पूछना ये सारा कैसे आ गया है, ये भी ना पूछना ये सारा कैसे आ गया है। ये असल में उसने y की 0, x की 0 पे सारा किया, x की पाई बाई 8 पे किया, पाई बाई 4 पे किया, 3 पाई बाई 8 पे सारी वैल्यूज, वो सारे फार्मूले लगाए, उनके जो आंसर निकले हैं ना वो सारे आंसर ये पुट किए। और नहीं जी इसने पहले 0 वाला किया है, उसके बाद इसने पाई बाई 8 वाला किया है। अच्छा इसने कर रहा है सॉल्व, मुझे लगा कि इसने डायरेक्ट नीचे लिखा हुआ है, बाकी ये 3 पाई बाई 8 पाई बाई 2 नीचे होगा, नहीं है, देख लें डायरेक्ट उसने आंसर लिखे हैं, पाई बाई 4 का, 3 पाई बाई 8 का और पाई बाई 2 का, उन्हीं फार्मूले में लगा के ये है फाइनल फार्मूला डबल इंटीग्रेशन का। ये सारे आगे वैल्यूज पुट की, आपके पास ये आंसर निकल आया, अल्हम्दुलिल्लाह। लेक्चर हमारा 31, 32, 33, 34 चार लेक्चर कंप्लीट हो गए आधे घंटे में, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपके पल्ले कुछ पड़ रहा है तो। अल्लाह हाफिज़।